चलिए कटवा लें। डर है तो दोस्तों हम इससे बाइट करवाते हैं, कटवाते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों मैं मुरली वाले हौसला आ चुका हूं जौनपुर सिटी से काफी दूरी पर, और ये है दोस्तों पावन सरजमी अंबेडकर नगर। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इस धारा को प्रणाम करना चाहूंगा, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसी भारत भूमि है और ये अंबेडकर नगर की पावन सरजमी है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, इन्होंने बेजुबानों को बचाने का जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। तो चलते हैं दोस्तों, आपको दिखाते हैं कि वो सांप, वो बेजुबान है कौन सा। ऐसे में आप नजरें जमाए रखिएगा, क्योंकि ऐसे में तो खतरा हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन दोस्तों उससे पहले यहाँ के लोगों से आपसे रूबरू करवाएंगे, जिन्होंने हमको यहाँ पर बुलाया है। तो ये सांप कब देखा गया? बहुत दिन से देखा जा रहा था, लेकिन वो इधर ही दो तीन रहता है। तो दोस्तों आइए, करीब लगभग हफ्तों से ये सांप देखा जा रहा था और वहीं पे था। ये गांव का नाम क्या है? खातमीपुर। और थाना कौन सा पड़ता है? आलापुर। दोस्तों गांव है खातमीपुर, थाना है आलापुर और डिस्ट्रिक्ट है अंबेडकर नगर। आइए समय को दोस्तों बचाते हैं और बेजुबान को भी निकालते हैं। और कैसे हैं आप लोग, हमको पहचानते हैं? तो पहली बार जिंदा देख रहे हैं, मतलब वीडियो में हमेशा देखते हैं, रियल में। आइए दोस्तों आप ये देख लीजिए, जहाँ पर इंसान रहते हैं अपने रहन सहन की व्यवस्था बनाते हैं। दोस्तों ये एक ऐसे स्थान पर बैठा है और शायद ये मादा हो। अंडा दिया है सर? ये है कितने अंडे हैं मालूम नहीं, लेकिन ये दोस्तों हमारे भारत का एक ऐसा सांप है जिसको हम इंडियन रॉक पाइथन के नाम से जानते हैं, और गाँव में इसे अजगर के नाम से भी जानते हैं। सर वहाँ से ये थोड़ा सा हटाएंगे, आप थोड़ा सा इसको बगल करिए, इसके साथ हो सकता है काका और हो, ऊपर से हटाइएगा। हाँ भैया पहले इधर, हाँ ये छोटा छोटा भैया थोड़ा से रुक जाएंगे। दोस्तों इसके जो अंडे बच्चे निकलते हैं वो इसी जून और जुलाई के महीने में निकलते हैं। ये भी जो अंडे बच्चे देते हैं लगभग 10 से 20 अंडों के बीच में ये देता है। तो दोस्तों हम जब भी इसे जरा से टच करते हैं तो इसे महसूस होता है कि हमें कोई छेड़ रहा है। आप ये देख सकते हैं, ये दोस्तों एक बार में लगभग 10 अंडे देता है, 5 अंडे देता है। अभी ये पूरी तरीके से वयस्क इंडियन रॉक पाइथन नहीं हो पाया है, इसलिए इसके अंडे अभी कम हैं। तो दोस्तों इसको चित्तायन यहाँ पर बोलते हैं। जब यह यस का मॉडल बनाता है, राउंड बनाता है, तब ये जंप करता है अपनी भोजन के लिए या तो अपनी बचाव के लिए। अब इसे दोस्तों आप देखेंगे ये जंप करेगा एक बार। दोस्तों ये गर्मी की इतनी ज़्यादा तपन है, इसे देख करके आप ये समझ सकते हैं कि इसके अंडे जो है उस अंडों में से बच्चे बाहर निकलने वाले हैं, और ये उसे छोड़कर कहीं बाहर नहीं भागना चाहता। क्योंकि सांप जो होता है दोस्तों वो जरा से छेड़छाड़ के बाद में बाहर की दिशा में भागता है, लेकिन ये माँ है और अपने बच्चों को कैसे छोड़ सकती है। इसलिए दोस्तों माँ की ममता महान होती है। इस दुनिया में दोस्तों अगर मोहब्बत कोई चीज़ है तो वो माँ से शुरुआत होती है, और जो अपनी माँ से मोहब्बत नहीं करता शायद वो दुनिया में किसी से मोहब्बत नहीं करता होगा, मेरा मानना है। आप इसे देख सकते हैं, दूसरा कोई सांप होता भाग गया होता कि नहीं, लेकिन ये माँ है, अपने बच्चों से कितना प्रेम करती है। तो बच्चों को भी उतना प्रेम करना चाहिए माताओं से। चलिए दोस्तों ये यहाँ से अगर निकलेगा एकाएक तो इधर के ही दिशा में जाएगा। इसे दोस्तों आप देख के समझ सकते हैं इसके अंडे बच्चे हैं। दोस्तों अभी अपने बचाव के लिए एक्टिव है और ये फाइट करना चाहता है। इसे देखिए आप, काफी भूखा है ये। अब ये दोस्तों बाहर की दिशा में भागना चाहता है, लेकिन हम इसे कैच करते हैं।
के लिए फिर बाहर आ गए आराम से आराम भागने। भैया थोड़ा सा बाहर से दोस्तों एक कहावत है कि अजगर करे ने चाकरी और पंछी करे ने काम, दास मेलुका कह गए सबके दाता राम। दोस्तों जो इसकी पूरी लंबाई है वो लगभग आप इसे देख सकते हैं, बहुत तो नहीं है लेकिन फिर भी 7-8 फीट के आसपास होगी। एक बार पकड़िए भैया, दिखा दीजिए। तो चलिए दोस्तों इसे हम पैक करते हैं और काफ़ी दूर लेके चलते हैं। आइए सर, भैया इसको खोलिए। तो चलिए ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक और इसको भी लेते हैं, इसको छाया में रख देता हूँ। बड़ा दोस्तों आप ये देख सकते हैं, गर्मी का महीना अधिक होने की वजह से इसके दोस्तों अंडे लगभग काफ़ी शिथिल हो रहे हैं। ये दो एक ठो ख़राब हो चुके हैं, 3 ठो और बाकी सब सेफ हैं। यहाँ से उठाते हैं दोस्तों, इसे हम डिब्बे में रखेंगे। दोस्तों इसे आप देख सकते हैं ये अंडा ये हो चुका है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं इसके कई सारे अंडे हैं। यहाँ से हम इसको उठाते हैं एक साथ, ये हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से इन मेज़बानों को बचाने का जो सिलसिला है वो आगे भी चलता रहेगा। देखिए हाँ ये ठंडा है सही। तो दोस्तों इसे हम बढ़िया से मिट्टी वाले स्थान पे रखते हैं। आइए सर एक बार करीब। दोस्तों इसको भी हम यहीं पर रखते हैं। तो दोस्तों ये है, इसके अंडे को मैं रख दिया हूँ, इसमें मिट्टी भी डाला हूँ और भी थोड़ी मिट्टी डाल देता हूँ। क्या है कहाँ है? तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, अभी तो हमने इंडियन रॉक पाइथन को यहाँ पर रेस्क्यू किया और दोस्तों यहीं बगल में एक कोई बिस्खोपड़ा निकला है, लोग जिसे बितनुआ कहते हैं या बिस्खोपड़ी कहते हैं। आइए जरा एक नज़र उस पर भी देखते हैं। भैया इसको छेड़छाड़ मत करिएगा। चलिए किसमें गया है? इसमें आया है। तो दोस्तों हमारे भारत का सबसे खतरनाक जीव जिसे हम बिस्खोपड़ा या बिस्खोपड़ी बोलते हैं, यही बोलते हैं आप लोग, वो जहरीली होती है। यहाँ पर किसी लोगों को काटने से उसकी मृत्यु हुई है। 3-4 लोग मरे हैं। 3-4 लोग इसी गांव में? आप देखे हैं कितने लोगों को? कम से कम 4 लोग मरे हैं। भैया इसको निकालिए, आज हम भी कटवाएंगे मरने के लिए। नीचे गई, नीचे गई। यहाँ सब लोग रेडी रहिए, उसको ध्यान से सिर्फ देखिएगा कि वो जा कहाँ रहा है, ठीक है? इसी में आया है। अरे मैं वहाँ पहुँच नहीं पाया सही से ना। आराम आराम से, हाँ जैसे जैसे चलिए उसके करीब आराम। नहीं है कहीं, है यहीं पे। भैया एक दो लोग इसको हटवाइए। बस 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 छड़ी मत, छड़ी मत बोलना है, रुक जाए रुक जाए। भैया बोलना नहीं किसी को भी, अरे भागे बोलना नहीं भैया किसी को भी, कुछ नहीं करना। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं हमारे भारत का सबसे खतरनाक जीव
ये दोस्तों आप इसे देख सकते हैं। चलिए हम इसे कैच करते हैं, यहाँ से दोस्तों निकालते हैं। कभी कभी दोस्तों ये होता है कि इसके काटने के बाद लोग मर जाते हैं। इसको हम निकालते हैं, बेचारी थक चुकी है। चलिए हम थोड़ा छाई में चलते हैं। तो दोस्तों बारी आ चुकी है आज एक ऐसे अंधविश्वास से पर्दा उठाने के लिए। ये जब काटता है तो लोगों की मृत्यु हो जाती है 2 घंटे के अंदर। कुछ लोग कहते हैं दोस्तों, अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, शायद आप उसे देखे होंगे, उसमें आप लोगों ने बहुत सारी मोहब्बत दी है। ये काट करके सूसू करके उसमें पलट जाता है तो लोग तुरंत मर जाते हैं, ऐसा है। तो आप यहाँ आइए दादाजी, बच्चे और थोड़ा पीछे रहेंगे। दोस्तों ये दादा लोगों का कहना था कि हमारे सामने, मतलब हम अपनी इतनी उम्र में लगभग 4 से 5 लोगों को देख चुके हैं कि बिस्खोपड़ा के काटने के बाद लोगों की मृत्यु हो जाती है। शायद आप लोग भी देखे होंगे, बहुत सारे वीडियो वायरल हुए हैं। अभी इसके पहले जो दोस्तों वीडियो गया है उसमें आप लोगों का कमेंट आया कि सर ये जो आपने बाइट करवाया है, जो कटवाया है, ये मगर गो है, कभी आप बिस्खोपड़ा से एक बार कटवाइए। तो दोस्तों शायद मेरी भी खुशनसीबी थी, या तो आज वो मेरी ज़िंदगी का आखिरी दौर है, या तो वो शाम आखिरी आ चुकी है जिसे हम अलविदा कहेंगे। तो आज दोस्तों हम इसे कटवाएंगे। चलिए कटवा लें। डर है, डर है ना मन में कहीं न कहीं। तो ये बताइए, जब तक हम कटवाएंगे नहीं तब तक आप जागरूक कैसे होंगे? दोस्तों इसको इंग्लिश में मॉनिटर लिजार्ड बोलते हैं। यह मगरगोह का, मॉनिटर लिजार्ड का, बड़ी वाली छिपकली का बच्चा है। वो जून और जुलाई के महीने में उस अंडे से बच्चे बाहर निकलते हैं। ये लगभग दोस्तों 2 महीने का बच्चा हो चुका है। बहुत तेज़ी से ये भागता है, अभी ये और बड़ा होगा। ये इसकी पूरी लंबाई 1 मीटर के आसपास होती है, जिसको हम गांव में मगरगोह कहते हैं। अभी हालांकि ये छोटा है, इसको हम बितनुआ कहते हैं। चलिए इससे हम थोड़ा पहले कटवा लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ के लोग जो है वो इतना ज़्यादा डर भय से भयभीत हैं। वो कह रहे हैं भैया मत कटवाइए, मत कटवाइए, मत कटवाइए, क्योंकि उन्हें ये पता है कि इसके काटने के बाद में कितनी देर मृत्यु होती है, आधे 1 घंटे। तो दोस्तों हम इससे बाइट करवाते हैं, कटवाते हैं, और आधे 1 घंटे तो हम यहीं रहेंगे, क्योंकि अभी लोग चाय वाय बनवाए हैं। चाय तो नहीं बनवाए हैं ना, पानी होनी तो कुछ नहीं, चाय। अच्छा बनवा दिए हैं, अच्छा चाय रखिए, नमकीन मत निकलेगा। तो दोस्तों इंतजार की घड़ियां समाप्त होती हुई और अब हम इसे बाइट करवाते हैं। यहाँ के लोगों को जागरूक करते हैं कि यह बिस्खोपड़ा नाम की कोई चीज हमारे भारत में बिल्कुल नहीं है, और ना ही ये बिल्कुल जहरीला होता है। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, अब ये काट रहा है। दोस्तों ये बिस्खोपड़ा आज मुझे बाइट कर रहा है, इसको बितनुआ या बिस्खोपड़ा के नाम से जानते हैं। संतुष्ट हो गए हैं सब लोग? दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये बाइट किया है और ये ब्लड भी दोस्तों निकल रहा है जी दोस्तों। तो दोस्तों इसे आप देख के समझ सकते हैं कि बिस्खोपड़ा नाम की चीज हमारे भारत में कोई नहीं है। हमारा एक नया दोस्तों एक्सपेरिमेंट चल रहा है, मैं ये चाहता हूं कि हमारे भारत की भूमि से जो अंधविश्वास है इसे काफी दूर और बहुत दूर छोड़ देना चाहते हैं। तो दोस्तों अंधविश्वास को दूर करना है तो प्लीज मुरली वाले हौसला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को दूर तक शेयर करिएगा, जिससे हम लोगों को जागरूक कर सकें। जो आए दिन हमारे भारत में बहुत से लोगों की जो मृत्यु होती है अंधविश्वास में, वो ना हो पाए। ये फटा तो नहीं है? चलिए खोलिए। दोस्तों ये 5 kg का डिब्बा है और ये दोस्तों बेजुबान जो है काफी छोटा है, इसमें ये बड़े आराम से रह लेगा सर। इसमें दोस्तों हम थोड़ा ऑक्सीजन क्लिप बनाएंगे छेद के लिए। चलिए इस वीडियो को देख के दोस्तों आप काफी नहीं कीजिएगा, नहीं तो कभी भी आपके साथ हादसा हो सकता है। दोस्तों इसमें हम ऑक्सीजन क्लिप बना रहे हैं और पिछली हाँ ये संतुष्ट हो जाएगा। दोस्तों ये थोड़ा गर्मी का महीना है, इसमें थोड़ा पानी डाल दिए हैं, ऑक्सीजन के लिए बनाए हैं। अब ये थोड़ा सा रिलैक्स करेगा, गाड़ी में रखेंगे, गाड़ी में दोस्तों हमेशा एसी चालू रहती है, इसको नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। आइए दोस्तों इस वीडियो को तो जरूर दूर तक शेयर करिएगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आप मुझे इसमें कमेंट करके बताइए कि किस बेजबान से मुझे बाइट करवाना है, आपका अंधविश्वास दूर करना है। थैंक यू। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं लगभग आधे घंटे हो चुका और यहाँ पर था एक इंडियन रॉक पाइथन को रेस्क्यू किया, उसके अंडे को भी, और एक दोस्तों हमारे भारत की जो एक अंधविश्वास बहुत जिसमें तगड़ा फैला है, जिसके काट लेने के बाद लोग दोस्तों जड़ी बूटी झाड़ फूक और दवा पीने के लिए जाते हैं और बोलते हैं कि 5 मिनट के अंदर इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों आज मेरा एक नया एक्सपेरिमेंट था, ये पिता तुल्य लोग खड़े हैं, इनके सामने एक बिस्खोपड़ा था और उससे मैंने बाइट करवाया। ये दादाजी थे, इनका भी कहना था कि 5 मिनट में लोगों की मृत्यु हो जाती थी, इनसे और इनकी जुबानी सुनते हैं कि क्या हुआ, आप लोग बताएं। हाँ हम अभी अभी देख रहे थे कि बिस्खोपड़े को ये लोग दौड़ा के पकड़े, और दौड़ा के पकड़ने के बाद लोगों का अंधविश्वास खत्म करने के लिए ये अपने हाथ में
जी कटवाए हैं जी, और कटवाने के बाद हमारे साथ आधा घंटा पौन घंटा हो गया, यहाँ साथ में चाय पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं इनको ही। इसलिए ये लोग ये चाह रहे हैं कि लोगों के अंदर से अंधविश्वास खत्म हो जाए, खोपड़े में जहर नहीं। वीडियो को आप शेयर करिए। थैंक यू।